राज्यसभा सांसद संजय सिंह के बिगड़े बोल, केंद्र की मोदी सरकार को कहा कपूत। प्रदेश की भाजपा मनुष पार्टी आम आदमी पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें उनके द्वारा कोरोना की बूस्टर डोज लगाने का डिसीजन लिया गया है। मुरादाबाद पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, देर आए दुरुस्त आए। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने पहले ही इंटरनेशनल फ्लाइट रोकने की बात कह दी थी। वहीं कानपुर से बरामद 200 करोड़ से ज्यादा कैश मामले पर पूछे गए सवाल पर संजय सिंह कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का बचाव करते नजर आए हैं। पीयूष जैन के संबंध भाजपा से भी होने का अनुमान जरूर लगाया। उन्होंने इतना जरूर कहा कि काले धन के खिलाफ कार्यवाही जरूरी है। आप पार्टी के सांसद ने केंद्र की मोदी सरकार को कपूत और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को मनुष पार्टी तक कैमरे के सामने कह दिया। देश नहीं बचने दूंगा, पूरा देश बेच रहा, ये कोई छोटी घटना नहीं हो रही हिंदुस्तान में। लेकिन क्योंकि अर्थव्यवस्था को लेकर और बाकी चीजों को लेकर हम लोगों में शायद कम गुस्सा आता है और जाति धर्म के सवाल पे ज्यादा गुस्सा आता है, तो इसलिए ये मुद्दे पीछे हट जाते हैं। तो देश को, देश की संपत्तियों को बढ़ाने वाले सपूत कहलाते हैं और देश की संपत्तियों को बेचने वाले कपूत कहलाते हैं। तो एक कपूत सरकार इस देश में चल रही है। नहीं, अच्छी बात है और मुझे लगता है कि बूस्टर डोज लगाने की दिशा में पहले ही कदम उठाने की ज़रूरत थी। तो ठीक है, अगर अब से सरकार जग रही है तो अच्छी बात है। लेकिन ओमिक्रॉन को लेके दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने सरकार से अपील भी की थी कि फ़्लाइट्स पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि जो वेरिएंट विदेशों से हिंदुस्तान में आता है उसको रोकने का एकमात्र तरीका फौरी तौर पे तो यही होता है कि हम हवाई यात्राओं पर रोक लगाएं। वो सरकार ने किया नहीं और अब आप देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो है वो अलग अलग शहरों में खबरें आ रही हैं कि वो फैल रहा है। तो इसलिए अब सरकार अगर तत्काल कोई कदम उठाने का प्रयास कर रही है तो ठीक बात है। कानपुर से 150 करोड़ से ज़्यादा का पैसा मिल जाना, किस तरह देखते हैं? 235 करोड़ रुपए अब तक गिने जा चुके हैं और पता चल रहा है कि अभी भी नहीं। ये काला धन और जमाखोरी करने वाले लोगों पे तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। क्यों इस प्रकार का भ्रष्टाचार चलता रहा और इतनी बड़ी, मैं तो देख रहा था तिजोरी पे तिजोरी और तहखाने में पैसा और कहां कहां सब पैसा छिपा के रखा गया था। अब उस देखिए, ऐसा है कि सवाल ये है कि कानून को अपना काम करना चाहिए। किसका कौन करीबी है वो तो जांच का विषय है। उसको तो अब कोई कह रहा बीजेपी का करीबी है, कोई कह रहा सपा का करीबी है, तो किसका कौन करीबी है, किसका किससे रिश्ता है, वो तो जांच का विषय है। लेकिन जो अभी तक सामने आया ये एक भारी भ्रष्टाचार और लूट का मामला है कि 235 करोड़ रुपए एक व्यक्ति के घर में इस तरीके से नोटों की गड्डियां और बंडल मिल रहा है, तो उस पे तो पहले ही कार्रवाई होनी चाहिए थी। सर, कोरोना को लेकर के जो है मापदंड का आरोप लगा है कि एक तरफ नेता जो है लगातार उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियां कर रहे हैं, आम जनता को कहा गया कि वो 200 लोगों से ज़्यादा का कार्यक्रम नहीं कर सकते, रात में कर्फ्यू रहेगा, तो इसकी पहल तो प्रधानमंत्री जी को करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, सब ने तो अपना चुनावी कार्यक्रम लगा रखा है। तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने अपना कार्यक्रम लगा रखा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने अपना कार्यक्रम लगा रखा है। तो अगर वास्तव में सरकार ऐसा महसूस करती है कि 200 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग नहीं होनी चाहिए तो इन सब लोगों को अपना कार्यक्रम रद्द कर देना चाहिए। क्या नेताओं को वर्चुअल रैली के जरिए प्रचार करना चाहिए? नहीं, उसका जो भी तरीका हो, मैं कह रहा हूँ वर्चुअल रैली से करें या रैली ना करें या अपने राजनीति के कार्यक्रम कुछ दिन तक रोक लें, लेकिन किसी चीज़ को लेकर दोहरा मापदंड तो नहीं होना चाहिए। मेडिकल साइंस इस मामले में क्या कह रहा है, डॉक्टरों की क्या सलाह है, उसको वरीयता देते हुए जो भी आवश्यक कदम है वो सरकार उठाए। राजनीतिक लोग अब भाषाओं की एक सीमा लांघ रहे, कभी आप कह रहे थे कपूत पार्टी, मनहूस पार्टी और भी दूसरी पार्टी को राजनीतिक दलों को इस तरह की भाषा, ये क्या क्या संदेश क्या देते हैं? कपूत सरकार मैंने कहा, और कपूत सरकार इसलिए कहा कि जो देश की संपत्ति को बेचने का काम करते हैं वो कपूत कहलाते हैं।
और कपूत कोई असंसदीय शब्द नहीं है, जो देश के लिए काम न करे और संपत्तियां देश की बेचने का काम करे, LIC बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, पोर्ट बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, BPCL बेच रहे हैं, तो जो लोग पूरे हिंदुस्तान की संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने कहा कि एक कपूत सरकार हिंदुस्तान के अंदर चल रही है। और मनहूस पार्टी इसलिए कहा कि ये लोग खुलेआम चुनाव के दौरान 2017 में कह रहे थे कि हमें गांव-गांव में शमशान बनाना है और मनहूसियत यही तो कहलाती है कि देखिए कोरोना की महामारी में गांव-गांव में शमशान बन गया। अखिलेश यादव जी से आपकी मुलाकात हुई थी, माना जा रहा था कि गठबंधन की तरफ बढ़ रही है, क्या रहा? देखिए, मैंने उस दिन भी कभी नहीं कहा था कि कोई गठबंधन होने जा रहा है। मैंने ये जरूर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को हटाने के लिए एक सैद्धांतिक सहमति हुई है, तो अब हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, पूरी सीटों पर लड़ रहे हैं। देख, कामयाब होने ना होने का तो सवाल नहीं उठता ना, क्योंकि हमने अगर कहीं कहा हो यहाँ गठबंधन हो रहा है तब उसमें कामयाबी क्या चर्चा हुई वो यहाँ कैमरे पर बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही कह सकता हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को हटाने की एक सैद्धांतिक सहमति। 403 सीटों पे हम लड़ रहे हैं।